अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी असील मुर्गी को अंडों पर बैठे हुए 20 दिन हो गए और दोस्तों एक मुर्गी का बच्चा निकल कर बाहर भी आ गया, मैंने अभी देखा है। लेकिन दोस्तों मुर्गी का बच्चा पता नहीं कैसे मर गया है, शायद वो रात निकला होगा अंडे के अंदर से, लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाया, शायद मुर्गी के पैर के नीचे आ गया होगा असील मुर्गी के। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, माशाल्लाह बच्चा काफी खूबसूरत सा सफेद कलर का बच्चा था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों मुझे काफ़ी दुख हो रहा है यार, मुर्गी का बच्चा निकलते हैं, मुर्गियाँ मुझे इतनी खुशी थी इन बच्चों की यार, दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी थी मुझे, असील मुर्गी का बच्चा हमारे सेटअप पर आएंगे। तो यार चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको मुर्गी का बच्चा दिखाता हूँ, अभी इसके नीचे ही है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना हसीन, इस कितना बेहतरीन बच्चा था दोस्तों, ये आप देख सकते हैं काफी क्यूट बच्चा था, सफेद कलर में ये हमारा असील था। तो दोस्तों यार ये तो काफी दुख की बात है। और दोस्तों बाकी अंडे देखते हैं चटक रहे हैं या नहीं, दोस्तों अंडे शायद चटक रहे दोस्तों माशाल्लाह। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ सही करके। दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं अंडे के अंदर चटक आ गई है, इंशाल्लाह इसके अंदर से ही बच्चे निकल जाएगा। तो यार दोस्तों माशाल्लाह से बच्चे निकलने वाले हैं और भी अंडों के अंदर शायद चटक आ रही होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको जब दिखाऊंगा, जब मैं इसे बाहर निकालूंगा पोटी करने के लिए जब दिखाऊंगा दोस्तों, और बाकी कुछ नहीं निकला हुआ अभी, बच्चे बच्चे कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको अभी तो जब दिखाऊंगा, जब मैं इसे पोटी करने के लिए बाहर निकालूंगा दोपहर को, फिर देखेंगे कितने बच्चे निकलते हैं। तो चलिए दोपहर को मिलते हैं। Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. तो दोस्तों ये वीडियो जो है काफी बड़ी हो जाएगी, तो दोस्तों इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इंशाल्लाह कल को इसका 21वां दिन शुरू हो जाएगा, दोस्तों कल को इसके इंशाल्लाह सारे बच्चे निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको कल को ही दिखाऊंगा अगली वीडियो में, अगली वीडियो कल को बनाएंगे इसका, इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों ये हमारा काशनी पट्टा जो इसे हम आज कारखाने में लेकर जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसे थोड़ा कुरीज में लग रहा है, वहाँ पर ये घूमेगा फिरेगा तो इसकी कुरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं इसे वहाँ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ और वीडियो को भी एंड कर देंगे। और तो दोस्तों अपना काशनी पट्टा यहाँ पर लेकर आ गए और यहाँ पर अपनी कुरीज ये मुकम्मल कर लेगा, तो इसे घर लेकर चले जाएंगे। फिर हम यहाँ देख सकते हैं पूंछ की कुरीज रह गई इसकी दुम की बस, और बाकी थोड़ा सा इधर भिगो दिया है और वो भी इसके साथ खुश है, और वो वाला मुर्गी का बच्चा फिलहाल दोनों साथ में रह रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।